बंगाल में सियासी पारा गरम, गृह मंत्री से मिलेंगे राज्यपाल, ममता और केंद्र में बढ़ेगा घमासान, कोलकाता रेप मर्डर केस का मामला अब पूरी तरह से सियासी घमासान में बदल चुका है। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। राज्यपाल आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, बंगाल की पूरी घटनाक्रम से कराएंगे अवगत, कोलकाता रेप कांड पर देंगे रिपोर्ट, ममता बनर्जी के विशेष सत्र बुलाने पर भी चर्चा। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी हमलावर है, ममता सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं। इस शर्मनाक वारदात को लेकर बीजेपी बंगाल सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार और दिलीप घोष ने राज्यपाल से मुलाकात की, तो वहीं मुलाकात के बाद सुकांता मजुमदार ने कहा कि राज्यपाल को घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। बंगाल में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, रेप कांड को लेकर फौरन एक्शन लेने की मांग, टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उनसे मुलाकात के बाद दिल्ली जाने का फैसला लिया है, मतलब साफ है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में अभी कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस पूरी घटनाक्रम में नया दांव खेला है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, रेप की सजा के लिए फांसी दिए जाने का प्रावधान। मतलब साफ है कि विधेयक के जरिए सीएम ममता बनर्जी इस गेम को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो राजभवन के सामने ही धरना देंगी। वहीं आरजी कर अस्पताल में कत्ल वाली रात अस्पताल में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। दोनों गार्ड्स को मिलाकर सीबीआई अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा चुकी है। दूसरी तरफ मृतक डॉक्टर के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस के काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम हाईकोर्ट के पास गए थे और कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को दे दिया।